हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। अब हमने शुरू किया था लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसके विषय में मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है आपको वो लेसन समझ में आ गया होगा। और साथ ही मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, विज्ञान के लाभ हानि के विषय में एक निबंध लिखना था। क्या आप लोगों ने वो निबंध लिखा अपनी नोटबुक में? अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, वे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले वाले लेसन में, लेसन नंबर 5 में, पार्ट 5 में हमने ग्रामर पोर्शन किया था। सर्वनाम की परिभाषा और उसके दो भेद पढ़े थे। अब उसी सर्वनाम के आगे के भेदों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा आपको याद है ना? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आज हम उसी के विषय में आगे पढ़ेंगे। सर्वनाम के इन भेदों को पढ़ने से पहले, हम थोड़ा सा टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक पे जाएंगे। पहला प्रश्न है भाषा सज्जता, पेज नंबर 37। पहला प्रश्न है पढ़िए और समझिए। फर्स्ट, यह किताब कोकिला की है, इसमें यह के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा, लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़का। तीसरा, दरवाजे पर कोई है, कोई। प्रीति के पास कुछ तो है, कुछ। अब इसमें यह, लड़का, कोई, कुछ, इन सब के नीचे अंडरलाइन है। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। अब पहला था यह किताब कोकिला की है, इसके हिसाब से प्रश्न क्या बनना चाहिए? किताब किसकी है? तो आप कहेंगे उत्तर में कोकिला की, यह किताब कोकिला की है। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न बनेगा कौन खेल रहा है? तो आप कहेंगे लड़का गेंद से खेल रहा है। तीसरा, दरवाजे पर कौन है? तो आप कहेंगे दरवाजे पर, क्योंकि बाहर है कोई, हमें नहीं पता कौन है, तो दरवाजे पर कोई है। प्रीति के पास क्या है? तो प्रीति के पास कुछ तो है। तो उपर्युक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते। अब पहले में आपने निश्चित बताया कि यह किताब कोकिला की है, और दूसरे में गेंद कौन खेल रहा है, लड़का गेंद खेल रहा है, लेकिन वो दोनों निश्चित नाम आपने बताए, लेकिन तीसरे में कोई और कुछ, ये दोनों अनिश्चित बताए, क्योंकि हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है और प्रीति के पास क्या है। दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें जब कोई चीज़ के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता हो तो कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमें निश्चित रूप से पता है कि यह किताब कोकिला की है, लड़का गेंद खेल रहा है, तो ये दोनों निश्चित सूचक हैं, तो इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और जब हमें पता नहीं होता कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, क्या है, तो हम उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो आप इसकी परिभाषा समझ गए, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय ना हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ। तो इस तरह से सर्वनाम के ये 2 भेद हम पढ़ रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अब हम सर्वनाम के 4 भेद अभी तक पढ़ चुके हैं। 5वें पाठ में हमने 2 भेद पढ़े थे और अभी हमने 2 भेद पढ़े। इसके अलावा और भी भेद हैं जिन्हें हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। तो तब तक हम लोग इस पाठ के थोड़े प्रश्न उत्तर देख लेते हैं।
स्वाध्याय पोथी में दिए हुए छोटे प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान हैं वो प्रश्न के उत्तर और एक एक लाइन के ही आंसर हैं। लेकिन जो डिटेल उत्तर हैं उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं एक बार ये सारे उत्तर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्वाध्याय पोथी प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, पेज 33। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। कौन सी स्थापित हुई पहली? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। तो इन तीनों को आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि अहमदाबाद में उन्होंने ये तीन संस्थाओं की स्थापना की थी। प्रश्न 2 है, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात डॉक्टर विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा संस्थानों का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया और उसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अर्थात डॉक्टर भाभा ने जिन कामों को शुरू किया था और कम पूरा नहीं कर पाए थे, उन सब कामों को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पूरा किया। प्रश्न तीन, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नंबर 1, सन 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण। इस तरह भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। प्रश्न 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए, अर्थात उन्होंने कौन कौन से पद पे कार्यभार किया संभाला। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निम्न पद सुशोभित किए। नंबर 1, सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। नंबर 2, भारतीय अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष बने। नंबर 3, निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। नंबर 4, 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य बने। नंबर 5, 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष तथा 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। इस तरह से उन्होंने अलग अलग संस्थानों का कार्यभार संभाला, अध्यक्ष पद संभाला और उनके विकास की ओर अग्रसर किया। प्रश्न 5, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम क्यों चिट्ठियां लिखी होंगी। ये प्रश्न का उत्तर मैं मौखिक आपको एक बार समझा चुकी हूँ, चलो एक बार इसको देख लेते हैं वापस। जब विक्रम साराभाई 5-6 साल के थे, वे परिवार के साथ शिमला गए थे। वहाँ उनके पिता अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर उनके मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम से भी खूब सारे पत्र आएँ। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम व पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। यह सिद्ध करता है कि वह सफल व्यक्ति बनना चाहते थे और उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। अब हम करेंगे प्रश्न 6, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अब हमें इसमें अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन
अर्थपूर्ण वाक्य खाली दो ही बन रहे हैं, बाकी तो ठीक से बन नहीं रहे, फिर भी मैंने कोशिश की है बनाने की। आप भी इन वाक्यों को नोट करना। पहला है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। दूसरा, बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीसरा, अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। चौथा, वो साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। पांचवा, भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रश्न सात, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलिए मीन्स प्लूरल बनाना है। तो लड़का लड़के, किताब किताबें, नदी नदियां, लिफाफा लिफाफे, नारी नारियां, माली का माली ही रहेगा। प्रश्न आठ, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। टाइप्स बताने हैं। अभी हमने पढ़ा था निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अलावा एक सर्वनाम और है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं एक बार वापस समझा देती हूँ। पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, तो कोई बता रहा है कि हमें पता नहीं है कि कोई मतलब कौन है, तो ये कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पता नहीं यह संदूक किसकी है, संदूक किसकी है मतलब हमें पता नहीं है कि ये किसकी है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह शिवाजी का किला है, तो ये फिक्स है, पता है निश्चित रूप से ये शिवाजी का ही किला है, इसलिए यह इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह श्याम का मित्र है, तो निश्चित है कि वही श्याम का मित्र है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। लड़का कुछ खाना चाहता था, तो इसमें कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो क्या खाना चाहता था। तो इस तरह से निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमने आज पढ़ा। ओके, थैंक यू।